फॉकिंग शिट, आज का सुबह का दिन इतना गंदा जा रहा है। एक तो मैं 3 बजे से एयरपोर्ट के लिए निकला हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोया। उसके बाद मैं इंदौर पहुंचा, टचडाउन हुआ, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मिसकम्युनिकेशन है, इट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यू फील मी। तो मैं आया अपने होटल में, एकदम नींद में ऐसा आया, और मेरे को ऑर्गेनाइजर में से किसी एक टीम में बोला कि कोई स्काई करके यहाँ पर रुका हुआ है। तो मैं बोला कि ओ शिट, एक तो रूम मेरे को इतना पथेटिक लगा, इतना पथेटिक लगा। और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ क्या मालूम, मैं यहाँ पर है ना 2 बार रुक के गया हूँ पहले इंदौर में, 2 साल पहले आया था, 2 बार रुक के गया हूँ, और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ये रूम में रुक के कैसे गया। बट देन फिर क्रोम भाई और लवली बॉय वो बाथरूम से निकले, और मैं ना रूम में अंदर घुसते मेरा मेक माई ट्रिप चालू हो गया, और मैं बोला कि फक, मैं इधर रुक ही नहीं रहा हूँ। क्रोम से बात हुआ, फिर मेरे दिमाग में ना एक ऐसा थॉट आया कि अरे शिट यार, अभी मैं ऐसा रूम बुक करके निकल जाऊंगा, तो क्रोम को लगा कि फक यार, भैया तो बड़े रूड है, मैं रुका रूम में, खुद के मुंह से बोल देते मेरे को कि नहीं रुकने गए तेरे साथ, इसके लिए मैंने साइड में रख दिया। हम लोग दोनों ऐसे इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह कर रहे थे, उतने में क्रोम मेरे को देख के बोलता है कि रूम थोड़ा छोटा नहीं लग रहा। मैंने बोला फक, ये देख मेरा बुकिंग अब तक ऑन है, फट से करके मैंने बुक कर दिया, मैंने पे कर दिया दूसरे होटल में। और उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया कि मैंने रूम बुक कर दिया है, मेरे को 11-12 बजे छोड़ देना वहां पे। तो मेरे को बोलता अरे बुक क्यों किया, मैं ही बात कर लेता इधर दूसरे रूम में। सी मेरे लिए ऐसा है कि अगर बात करने का रहता तो मेरे से पहले ही कर ले कि ऐसा सब कुछ है, ये सब कुछ है, वैसा है, बट उसने किया नहीं, और मेरे को भी ट्रबल नहीं करने का, क्योंकि मैं अभी अपने लाइफ के ना एक ऐसे पॉइंट पे आ गया कि मेरे को आर्ग्यू नहीं करने का अपने कंफर्ट के लिए, क्योंकि मैंने बहुत हार्डवर्क किया हुआ है अपने लाइफ में, ठीक है, सब लोग नहीं किया हुआ है, बट मेरे लिए ऐसा है कि मैं अपनी पर्सनली बात करूंगा। तो मैं चुपचाप से बुक करके वैसे भी बटने वाला था, पैसे वैसे का मेरे को कुछ है ये है नहीं, तो है ऐसा दिल में लगता है कि काश थोड़ा सा ऑर्गेनाइजर ने दिमाग लगा के ऐसा सोचा होता कि हमारे आर्टिस्ट दूर से आ रहे, मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ता। बट देन मैंने बुक किया, फिर मेरे को बोलता है कि अच्छा मैंने तो 108 देखा हुआ था, 108 110, बट देन हम लोग रुके हुए थे 310 में, जो एकदम ही कमांडो ये था रूम था उसमें, मतलब जब भी ऐसा आतंकवादी हमला आएगा ना तो वो रूम में जाके तुम छुप सकते हो, राशन भर के, वैसा रूम था वो। हाँ तो बोलते हैं कि अच्छा वो शायद से 11-11 बजे का चेकआउट होगा, फिर हमको वो रूम मिलेगा। मैंने बोला कि पहले मेरे को ये बोल देता, तो वो बोलता अरे मेरा थोड़ा सा ध्यान निकल गया। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर और द ऑर्गेनाइजिंग टीम और द होटल मैनेजमेंट टू लेट अस नो कि हमको 11 बजे के बाद रूम मिल जाएगा, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला। मैंने भी नहीं किसी को बोला इसके लिए बुक करने से पहले। और अभी मेरे को मालूम पड़ता है कि हम लोग 12 बजे उठे कि वेन्यू थोड़ा सा दूर है, तो मैंने वो बुक करके रखा हुआ है, तो मेरा पैसा उधर गया हुआ है, हमको ये रूम दिया हुआ है विच इज डिसेंट। अगर मेरे को पहले पता होता कि यहाँ पर रुकना है तो फिर भी मैं मैनेज कर लेता, बट देन अभी मेरे को रात को ही जाने मिलेगा वहां पर। तो यही था मेरा स्टोरी गाइस सुबह सुबह का। इसी के साथ ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते, वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली ऑन YouTube। और मेरे को पता था सारे बढ़िया खुद से मजे में, मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग को बोला गया है कि आधे घंटे में रेडी होके हम लोग को निकलने गए। आई एम वेरी हैप्पी कि क्रोम इज हियर, आई गेट रेडी, आई सी यू। दोनों भाई रेडी हो चुके हैं, ये है मोहित का आउटफिट, you don't have to cry.
भाई लोग मीट माय फ्रेंड साइरस फ्रॉम इंदौर। ये वो बंदा है जिसने मेरे को मेरा फर्स्ट टैटू गिफ्ट किया था। मेरे जिस्म पे अगर कोई भी टैटू है तो वो ये था। उसने बोला हुआ था ये भाई के लिए, भाई के लिए। उसके भी पूरे बदन पे टैटू है, हम लोग टैटू ब्रदर्स थे। उसने मेरे को बोला था वर्कशॉप पे, जब भी बुलाया था तभी बोल रहा था कि भाई आपको टैटूज बहुत पसंद है। तभी तो मेरे को था भी नहीं टैटूज, तभी भाई ने पहचान लिया था कि मेरे को टैटूज बहुत पसंद है। फ्लाइट के 2 घंटे पहले हम टैटू करवा रहे थे। फक एक्सपीरियंस। सो इफ यू सी ऑल टैटूज इन माय हैंड, यू गाइस शुड थैंक हिम। थैंक्स टू हिम। नो, थैंक हिम माय लव। आई डोंट टॉक टू हिम, आई डोंट टॉक टू एनीवन, बट देन व्हेनेवर आई मीट देम मेक श्योर कि आई टॉक टू देम। है कि नहीं भाई? मेरे को नहीं पता था इंदौर आके मैंने गलती किया। जैम में गए, एक कैफे में खाने आए यहाँ पर टोर्नेडो के साथ। ये कैफे खाली क्यों हमको पता ही नहीं। 4 घंटे में भाई मैं दिल्ली से निकला था, तब मैंने ऑर्डर दिया था, अब तक आया नहीं। भाई दे दो भाई, कौन सी दुश्मनी कर रहे हैं पता नहीं मेरे साथ ये लोग। अभी क्या दिमाग मर जाएगा रे इंसान, इधर वेट करते करते। हमारा ही बन रहा है क्या? हमारा ही बन रहा होगा, हमारे अलावा है भी कौन यहाँ पर? इधर लाते बोलेगा कैंसिल। याद करने की ऐसी कोई चीज नहीं जिंदगी में, मैं जी रहा हूँ फ्री स्टाइल फ्री लाइफ, ई स्टाइल, जी स्टाइल, पर करता नहीं है भाई लोग से आके फ्री स्टाइल। कर रहा हूँ अभी फ्री स्टाइल क्योंकि मैं अभी छोटे शहर से आ रहा हमारा। ओ तालियां ठुक गई मेरे लिए, समझ जाओ खत्म कर दिया इसको। बहुत ज्यादा खुजली हो रही है मेरे सर में और तेरे। दूसरी बात सुन बेटा, एमसी क्रोम इस वक्त अंडरग्राउंड इवेंट्स की शान है। छोटे कुछ शो में पार्टिसिपेट करना है ना, अपन इस शो के मेहमान हैं। घर डुबा देंगे। और बंद हो गया, कैसे बंद किया? ओ फक पूरा बंद हो गया ब्रो, कैसे किया? छोड़ दे। ओ फक मोहित द मैजिशियन भाई पूरा घर डूब गया। सुबह मेरी फट गई। मैं सोच रहा हूँ मैं पूपी करने के लिए उठा, अब तुम मेरे को बताओ यहाँ पर भी जेट स्प्रे ऐसा है, मुझको क्या पता वहां से पानी कहाँ से आएगा। अब मोहित ने इसका ये निकाल लिया, मेरे को लगा मोहित ने ये भर के यहाँ से भर के इसमें भर के फिर वहां पर धोया होगा। मैंने बोला ये तो यहाँ पर पड़ा हुआ, मैंने ये लगा के खोल तो दिया। आधे घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूँ ये बंद कैसे होगा। मैंने जाके मोहित को उठाया, मोहित ये उठता भाई कोई आया हुआ। तुम देखो ये तो पूरा भर गया ब्रो, भाई कोई आया हुआ, भाई कोई आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। हाँ ब्रो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ब्रो, पानी भर गया था उस साइड वाला, उस रूम वाला यूज कर लूंगा भाई। मेरे को लगा अब तो तुम्हारा घर डूब गया भाई, अब बचेगा नहीं, लोग तो बोट बुला रहे थे। भाई पानी जाता कैसे नीचे? भाई वो पानी वहां से नीचे नहीं जा रहा, बड़ा बूमबाम हो गया। पूरा फैमिली आ गया हमको डूबने से बचाने के लिए। भाई लोग यहाँ तक पानी भर गया था, मेरा तो बैग भी नीचे से भीग गया। मेरे को आंटी से मिलने का था बट नॉट अंडर दी सर्कमस्टेंसेस, ऐसे घर डुबाते हुए। मतलब कितना वियर्ड है कि मैं किसी का घर डुबा रहा था, इसके लिए आंटी मेरे को मिलने आई।
अरे रुको अभी अभी टी शर्ट वीशर्ट पहने तो ऐसे मत बना, बनियान बनियान चलेगा, वायरल हो जाएगा इधर पूरा बाथरूम वायरल हो गया ऐतिहासिक बाथरूम नहीं आंटी बस मैं डर गया था कि पूरा घर ना डूब जाए क्योंकि मेरे को यहाँ पर हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं और यहाँ से इसने ठक ठक किया, मैं बोला ये लोग भी डूब रहे भाई, मैं नहीं खोल रहा दरवाजा एक्चुअली वो तिजोरी जैसा है ब्रो, सब कॉम्बिनेशन राइट सेट करना पड़ता है वहाँ ब्रो। यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर मैं अंदर गया, मैंने बोला चल लॉक करके जाता हूँ ब्रो, मैं पहले लॉक करके चला तो गया, फिर पानी के इसमें मैं पहले मोबाइल मेरे हाथ में, फिर मोबाइल कमोड के ऊपर गया, कमोड में गिर जाएगा ब्रो मोबाइल, फिर ऊपर रख, मैं ट्राई कर रहा हूँ 15 मिनट से पूरा घर मतलब ऑलमोस्ट पूरा भर गया। फिर मैं बोला अब मोहित को बुलाने का टाइम आ गया, दरवाजा खोला तो हैंडल ढूंढ रहा हूँ मैं, हैंडल किधर है, यहाँ पर ऊपर से पकड़ रहा हूँ, नीचे से पकड़ रहा हूँ, हर जगह से पकड़ के खोलने का ट्राई कर रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा है भाई। मैंने जाके स्विच दबा लिया, स्विच तो बंद हो जाएगा। हाँ ब्रो मोहित, मोहित मेरा एकदम अच्छा दोस्त है, मैंने आज देख लिया भाई, मोहित एकदम फट से उठ के गया और मोहित ने पहले एक स्विच खींचा तो ऊपर से शावर चालू हो गया, मोहित नींद में आई कर रहा है ब्रो। मेरा प्लान था कि मैं सुबह को ऐसा एस्थेटिकली उठ के तुम्हारे साथ बात करूंगा, बट वो मैं हक्के करने वाला था, मुझे क्या पता कि मेरा एक गलती मेरा सारा आइडिया चौपट कर देगा। बट सिंस मैं अभी बैठे बैठे टाइम पास कर रहा था और फिर मैं सोच रहा था आइडिया है तो कर लेना चाहिए, कोई भी आइडिया वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। बताना भूल गया सुबह के हड़बड़ी में कि हम लोग अभी है ऑर्गेनाइजर के घर पे, क्योंकि हम लोग सुबह तक बहुत ज्यादा नशे में ऐसे घर आए थे। तो हाँ, तो मैं कल वो होटल भी मतलब मैंने बुक तो कर दिया बट फिर बहुत दूर बुक किया, फिर हमको सुबह को वैसे भी 11 बजे चेकआउट करके निकलना पड़ा, बोला यहीं पर रुक गया। मैंने भी हम लोग दोनों भी ना बोलने के हमारे में स्टैमिना नहीं था दोनों में भी। हाँ तो हम लोग यहीं पर रुक गए और यहाँ पर आज प्लान है कि हम लोग दाल बाटी चूरमा खाएंगे, क्योंकि विपिन की जो मॉम है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, आंटी बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, हमने पानी पूरा घर बहा दिया, फिर भी तो वो बहुत अच्छा बनाती है, तो वही प्लान्स है। अभी जब खाने जाएंगे तभी मैं तुमसे बात करता हूँ। भाई लोग मेरे को लगा था कि मैं इंदौर घूमने जाऊंगा बट मुझको लगता है ये यहीं पर घूम सकता हूँ मैं इंदौर। इफ़ यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड वॉज लेट माई लव स्मैकडाउन पेन ऑल द वे फ्रॉम PS2। ओके And winner! मेरा भाई बेचारा पहले ही आउट हो गया यार। खून हो गया पहले पे। Bro, the main event is here. Are you excited? इसका first time है दाल बाटी, इसने कभी खाया ही नहीं है। कल पूछते हैं वेज होता है नॉन वेज होता है। ओके इंस्टाग्राम पे। हाँ ओके चटनी, मम्मी स्पेशल चटनी। ओके द फ्लेवर्स क्या अचार था कि तुम देख रहे हो? हां भाई सबसे मेन जोक्स कर रहा था, मेरे सवेरे पानी की याद मत दिला मेरे से, पानी से रिश्ता अच्छा नहीं है आज के दिन में मेरा। आप करो शुरू। अभी कर रहे हैं? नहीं आंटी अभी कर रहे नॉर्मली भी खा सकते हैं ना, तोड़ो भी खा सकते हो। लोग बात कर रहे हैं, मैं अपना यहाँ पर चूरा बना लिया। बहुत अच्छा है। राइस भी बने हैं। दो कैसा लगा? ये एकदम इटली वाला काम कर दिया आपने। मेरा भाई चला इधर से ही गाजियाबाद फरीदाबाद, गाड़ी रेडी है उसकी। चल भाई मिलते बहुत जल्द IKF में। सी यू सून माय लव। सी यू। बाय आंटी।
भाई लोग मैं घर आ गया हूँ और मेरा इंदौर का ट्रिप एकदम ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब मेरे को नहीं पता भाई, लेटली मैंने दो जैम्स ट्रैवल किए और दोनों जैम इतने भी बड़े नहीं थे, मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे हुए। लोग कम आए थे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे जैम्स होते हैं इंडिया में, आई अंडरस्टैंड। बट देन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कम पार्टिसिपेंट्स है बट फिर भी वाइब इतना ज़्यादा अच्छा है। आई मीन इट्स अ कलेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, द जजेस, द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, द पार्टिसिपेंट, जितना भी है, आई लव द वाइब। थोड़ा सा रफ स्टार्ट हुआ होटल वोटल को लेके, बट बाय द एंड मैंने सारे टीम मेंबर को जाना है ना, पर्सनली मिला मैं उन लोग से भी, पहली बार मिला हूँ। मेरे को ऐसा बहुत अच्छा लगा, दे आर वेरी स्वीट पीपल। आंटी बहुत ज़्यादा स्वीट है विपिन की। आई मीन मी एज अ इवेंट ऑर्गेनाइजर आई अंडरस्टैंड कितना प्रेशर होता है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा ऐसा बोला भी नहीं, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं कर ले, मैं लोगों को ट्रबल नहीं करता। पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं नहीं कर सकता था तो मेरे को बात करना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि नहीं भाई मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, ऐसा वैसा। बट वट एवर इट इज़, द इवेंट वेंट वेल, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया सब लोग ने। और एक चीज़ और हुआ, जब मैं इंदौर से वापस आ रहा था तो मैं जा रहा था विस्तारा के काउंटर पे, तो वहाँ से एक मैडम ने मेरे को बुलाया और बोला कि आप सर यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि वो खाली था। फिर उन्होंने बोला कि यू आर हेक्टिक राइट, मैंने बोला येस। तो बोलते कि आई वॉच योर वीडियोज, आई एम अ वेरी बिग फैन। और मैं मतलब तुम लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि मतलब पहले है ना, मैंने जब यूट्यूब चालू किया था तो मैं ऐसा सोचता था यार क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, लोग मेरे को जानेंगे। और फाइनली जब ये सब चीज़ें सच होता है, मतलब जब लोग ऐसा सामने से अप्रोच करते हैं और बोलते हैं, तो मेरे को पता नहीं मैं कैसे बताऊँ, इट्स जस्ट कि बहुत नाइस फीलिंग है, बहुत अच्छा फीलिंग था वो, तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर एक जन ने आके, मैं बैठा हुआ था तो फोटो भी खिंचाया एयरपोर्ट पे। सैडली मतलब मेरा वो आदत नहीं है कि कैन यू डू इट अगेन फॉर द कैमरा करके, हाँ मेरा कैमरा चालू है और वो लोग हो गए रिकॉर्ड हो गए तो ठीक है, बट मैं ऐसा वापस से करता हूँ नहीं। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि जब तुम्हारे भाई को जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मेरे को वापस से IKF के ऊपर काम करने का है, क्योंकि मेरा वेन्यू बुक नहीं हुआ है, मेरे को वेन्यू बुक करना है बहुत जल्दी। और मेरे को यही मैसेज देने का है कि स्ट्रीट्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसमें एनिमोसिटी है, इसमें झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, बट डोंट बी अफ्रेड ऑफ द स्ट्रीट्स, कम, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, तुम लोग को बहुत मजा आएगा। अभी IKF भी आ रहा है 28-30 अक्टूबर, ट्राई करो वहाँ पर आने को, है कि नहीं। बाकी मैं कुछ कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ अभी एट द मोमेंट, बट आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को करने का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट और दुआ। अभी मेरे को जैसे लोग अभी अप्रोच करते हैं, अभी अपने को शाहरुख खान जैसा बड़ा एम्परर क्रिएट, एक ममन उसको एम्परर ही बोलते हैं ना, नहीं एम्पायर, एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है यहाँ पर, लोग मतलब ऐसा बावरे बावरे हो जाए, हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी हो जाएगा, है कि नहीं। बाकी सी यू गाइस। तुमको कैसे पता चला? तो इस वाले वॉशरूम में आवाज आ रहा था। अच्छा गाइस, यहाँ से पानी नीचे नहीं जा रहा है, इसके लिए मैं किसी के घर पे रुकना प्रेफर नहीं करता। गलती हो गई कल, मैंने 3000 का होटल बुक करके भी वहाँ पर नहीं, मेरे पास सुबह सुबह मैसेज आता, मैं अंदर नल भरते हुए देखा, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस डे, व्हाट प्रेजेंस डे ब्रो, मैं रुका ही नहीं वहाँ पर, देखा तक नहीं मैंने होटल कैसा।